एक अत्यंत भयावह स्वप्न आया रहा था मुझे। अचानक से गोलू की सारी गुटियां जो है वो द्वारका में आ गई मेरे कक्ष में, और आके सभी मेरी सेवा कर रही हैं। और कोई मेरे लिए माखन ला रहा है, तो कोई खीर ला रहा है, तो कोई स्वादिष्ट पकवान बना के ला रहा है। फिर मैं तुम्हारे इस स्वप्न को पूर्ण करके ही रहूंगी। ये गोलोक संसार में इससे सुंदर स्थान और कोई भी नहीं, किंतु आज ये तुम्हारे बिना रिक्त है। यहाँ आकर भी आनंद नहीं आता, क्योंकि मेरे साथ प्रेम नहीं है ना। जब प्रेम ही ना हो तो संसार ही व्यर्थ सा लगता है। राधा रानी। प्रणाम देवी राधा। देवी राधा आप यहाँ? हमारे श्री कृष्ण कहाँ हैं? कृष्ण तो नहीं आए, किंतु मैं तुम सभी को उनसे मिलवाने का अवसर देने आई हूँ। द्वारका ले जाने आई हूँ कृष्ण की सेवा के लिए। किंतु देवी राधा, आपके होते हुए श्री कृष्ण को हमारी सेवा की क्या आवश्यकता? नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता इसी में है, और उन्होंने स्वप्न भी देखा था जिसमें तुम सभी उनकी सेवा कर रही हो। माखन खीर ये सब उनके लिए बना रहे हैं, और वो आनंद पूर्वक तुम्हारी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। पर जानती हो, उस स्वप्न में मैं थी ही नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता राधा रानी, श्री कृष्ण ऐसा स्वप्न देख ही नहीं सकते जिसमें राधा रानी ना हो। मुझे तो लगता है श्री कृष्ण ने आपको चिढ़ाने के लिए ऐसी बातें मन से गढ़ी है। ऐसा नहीं है, कृष्ण मुझसे असत्य क्यों कहेंगे? कृष्ण तो सदैव मुझसे प्रेम करना चाहते हैं, किंतु मैं ही हूँ जो प्रेम ना करने की बात कह चुकी हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी आकर कृष्ण के साथ रहो। अब कृष्ण पृथ्वी पर कुछ ही समय के लिए है, क्या तुम सब नहीं चाहोगे कि कृष्ण का अंतिम समय प्रेम के साथ व्यतीत हो? हमें श्री कृष्ण की सेवा करने का अवसर गोलोक में मिले चाहे पृथ्वी पर, हम इस अवसर को खोना नहीं चाहते राधा रानी। हाँ, तो कृष्ण की भी यही इच्छा है कि तुम सभी कृष्ण के साथ अपना समय पृथ्वी पर बिताओ। किंतु राधा रानी, आप स्मरण रखना कि यह अवसर स्वयं आपने हमें दिया था। आशा है कि आप हमारी कृष्ण के प्रति निकटता देखकर कभी दुखी नहीं होंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, मात्र कृष्ण की इच्छा का ध्यान ही तो रखना है ना। और कृष्ण प्रेम पूर्वक रहे, आनंद से रहे, मैं केवल इतना ही चाहती हूँ। प्रतीत होता है गोलोक की सारी गोपियां द्वारका पधार चुकी। प्रणाम श्री कृष्ण। प्रणाम। आप सबका द्वारका में बहुत बहुत स्वागत है।
मैं तो सुगंध से ही समझ गया था कि आज मुझसे मिलने कौन आने वाला है। सत्य में? सत्य में? अब मैं क्या ही बताऊं, प्रातः नेत्र खोलते ही गोलोक की सारी गोपियां ही मेरे समक्ष आ गए। इतने सुंदर मुख देखने मिले हैं, मन प्रसन्न हो गया। सत्य कहूं तो यहाँ मेरा मन ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं द्वारका छोड़कर कहीं एकांत में चला जाऊं। परंतु अब आप सब आई हैं, इतने प्रेम के साथ आप सबने मुझसे भेंट की, आप सबका बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम मुझे मिला है, अब लगता है मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अरे राधा, तुम यहाँ कब आई? क्षमा करना, गोलोक से गोपियां आई थी मिलने, उनसे बात कर रहा था, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। तुम कहीं जा रही थी? हाँ, मैं जा रही हूँ। अब सभी गोलोक की गोपियों के साथ तुम आनंद पूर्वक द्वारका में समय व्यतीत करना, मैं जाकर भोजन का प्रबंध कर देती हूँ। अरे राधा, रुको रुको, इतनी शीघ्रता क्या है? मैं कहता हूँ कि अपना ये बहुमूल्य समय व्यर्थ करने की आवश्यकता ही नहीं। तुम्हें स्मरण है ना, तुम्हें तो पता है कि मेरे स्वप्न में क्या आया था। मेरे स्वप्न में ये आया था कि गोलोक की सभी गोपियाँ मेरे समक्ष आई और सबने अपने हाथ से मेरे लिए खीर बनाई है, अपने हाथ से मुझे खिला रही। अब मैं चाहता हूँ कि अब सब गोपियाँ आई हैं तो तुम कष्ट मत ही करो, सभी गोपियाँ आज मुझे खीर खिला देंगे। क्यों गोपियों, मेरे स्वप्न को सत्य में परिवर्तित कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं श्री कृष्ण। हम सब ने तो यही सोचा है कि हम सब गोपियाँ आपके लिए अलग अलग खीर बनाएंगी, उसके पश्चात आप वो खीर खाएंगे, तब आप ही सबसे स्वादिष्ट खीर किसने बनाई है ये आप ही बताइएगा श्री कृष्ण। मैं तो यही चाहता हूँ, आप सभी मेरे लिए खीर बनाई है, मैं सभी के हाथ की खीर खाऊंगा और मुझे विश्वास है मुझे अवश्य अच्छा लगने वाला है। किंतु राधा, तुमसे एक अनुरोध है। देखो, तुम गोपियों को ये मत बताना कि कैसे खीर बनाई जा सकती है, जिसे तुमने रुक्मिणी को बताया था कि कैसे खीर बनाते हैं। ऐसा यहाँ पे मत करना, पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सभी गोपियाँ जो गोलोक से आई हैं, अपने हाथ से, अपने प्रेम से मेरे लिए खीर बनाए और मैं वो खीर खाऊं। मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं खीर का एक नया स्वाद अनुभव कर सकूं। तुम जो बनाती हो अच्छी है और उससे मन तृप्त हो चुका है। अच्छा, ऐसा है तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, और मेरे पास भी समय नहीं। तुम्हारा स्वप्न तो पूर्ण होना चाहिए ना? वो तो होना ही चाहिए, तो होगा भी। अब जैसा तुम चाहती हो ना राधे, अब वैसा ही होगा। इन सभी गोपियों के प्रेम में मैं सुखी रह लूंगा, तुम्हारे प्रेम के अभाव में मैं अच्छे से रह लूंगा राधे, चिंता मत कर। क्या बात है राधा रानी, तुम तो अभी से विचलित होने लगी, अभी तो बहुत कुछ देखना शेष है। राधा आओ, लगता है तुम श्री कृष्ण के लिए भोजन की थाल सजाने आई हो। क्या हुआ राधा, इतनी मौन क्यों हो? रुक्मिणी, तुम आओ मेरे साथ। क्या हुआ, क्या कोई गुप्त बात है क्या? कृष्ण सब सुन लेता है आजकल। अर्थात ऐसी क्या बात है जो तुम श्री कृष्ण से छुपाना चाहती हो? अच्छा, तुम उनके लिए कोई विशेष व्यंजन बनाने वाली हो, है ना? व्यंजन तो दूर की बात है, कृष्ण को मेरी आवश्यकता तक नहीं है रुक्मिणी। अब नहीं राधा, श्री कृष्ण तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है। इतनी सारी गोपियां रसोई कक्ष में, ये सब यहाँ क्यों आई है? यही तो मैं तुम्हें कह रही थी, अब कृष्ण को हमारी आवश्यकता है ही नहीं, अब उसे केवल गोपियों का साथ चाहिए। आज से श्री कृष्ण की भोजन की व्यवस्था
हम गोपियां देखेंगी। अब तो विश्वास हो गया ना रुक्मिणी, अब यही खिलाएंगे माखन और यही खिलाएंगे खीर। राधा कह दो कि यह सत्य है। राधा रानी, आज से ये रसोई हमारी हुई, अब सब जा सकते हैं। मुझे इस रसोई कक्ष से जाने का आदेश कोई नहीं दे सकता। और भला तुम सब श्री कृष्ण के लिए भोजन क्यों बनाओगी? क्योंकि ऐसा श्री कृष्ण चाहते हैं। हम सारी गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए भिन्न भिन्न खीर बनाएंगी। और आज तो श्री कृष्ण ऐसी खीर खाना चाहते हैं जो राधा की खीर से भी भिन्न हो। राधा, ये श्री कृष्ण ने उचित नहीं किया। जिस खीर को वो इतने चाव से खाते थे, आज वो वही खीर नहीं खाना चाहते। जाने दो रुक्मिणी, खाने दो उसको औरों के हाथों की खीर। अब हम यहाँ से चलते हैं। गोपियों के आने से बड़े प्रसन्न है श्री कृष्ण। आज वही सबसे प्यारी हो गई है ना। श्री कृष्ण। अरे रुक्मिणी, तुम? मुझे लगा गोपियां आई हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? वो सभी गोपियों ने आपके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की खीर बनाई है, सब सज्ज है। तो तुमने और राधा ने तो मेरे लिए आज कुछ भी नहीं बनाया होगा। हाँ, नहीं बनाया। और बनाकर भी क्या करते? राधा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आपने। अब राधा ने कहा है तो उचित ही कहा होगा रुक्मिणी। और वैसे भी कोई बात नहीं, आज तक तुमने और राधा ने मेरे लिए कई सारे कार्य कर लिए। अब विश्राम करो। अब मेरे लिए जो भी करेंगी गोपियाँ करेंगी। मेरे लिए भोजन लाएंगी, मुझे अपने हाथ से खिलाएंगी, मेरी सेवा करेंगी। वाह, क्या सौभाग्य है मेरा। तुम ऐसे देखना बंद करो तो मैं जा सकता हूँ। क्या उन्हें इतना प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं? ठीक है, थोड़ी खीर तुम्हारे लिए भी रख लूँगा। राधा उचित कह रही थी कि गोपियाँ के आ गई, श्री कृष्ण तो उन्हीं में व्यस्त हो गए। प्रणाम श्री कृष्ण। प्रणाम। इसे कहते हैं सज्जा, इसे कहते हैं सेवा। क्या बात है? मैंने सभी गोपियों से कहा था कि मेरे लिए प्रेम से खीर बनाना, और यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की खीर मेरे लिए सज्ज है। इतना सुंदर सजाया है आपने इस भोजनालय को। द्वारका को तो आपने स्वर्ग लोक बना दिया। आज कुछ विशेष है, आज गोपियां हैं। और ये आसन कितना अधिक सुंदर बनाया है आप सबने। बैठिए श्री कृष्ण। क्या बात है, ये आसन भी अत्यंत सुंदर है, मोर पंख के साथ। प्रतिदिन ये सब द्वारका में कोई नहीं करता। श्री कृष्ण ऐसा कैसे कह सकते हैं? सत्य कह रही, अति हो गई अब तो। किंतु आप सबने किया, मन प्रसन्न हो गया। Krishna, 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 Krishna.